हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज हम 2.3 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम देरी ना करते हुए अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो और आपको वीडियो समझ आ रही हो, क्वेश्चन समझ आ रहे हो, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज है हमारी 2.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 0.7x प्लस के 0.3x इक्वल टू 0.5x प्लस 6। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम किससे करेंगे? ट्रांसपोजिशन मेथड से किए करेंगे। मैंने आपको इसे चैप्टर का इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया है, तो इंट्रोडक्शन आप जरूर देखें, तभी आपको ट्रांसपोजिशन मेथड ये सब बातें आपको तभी समझ में आएंगी। और मैं आपको क्वेश्चन करके बताती हूँ किस प्रकार से हम ट्रांसपोजिशन मेथड करते हैं। तो एक जैसी जो लाइक टर्म्स हैं, जो एक जैसी टर्म्स हैं, उनको एक साइड लेकर आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1.0x हो जाएगा, ठीक है। इनको हम प्लस करेंगे तो, और माइनस के इसको इधर ले आओ, 0.5x इक्वल टू 6, और 1.0 से हम इसको करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 0.5x इक्वल टू 6, पॉइंट हटाएंगे 10 कर लेंगे तो 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई 5x इक्वल टू 60, और x इक्वल टू 60 अपॉन 5, 60 अपॉन 5, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, तो x इक्वल टू क्या आ गया 12। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहां तक क्वेश्चन समझने में आपको कोई प्रॉब्लम आई? नहीं ना, बहुत इजी है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 5x प्लस 7 अपॉन 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, 5x प्लस के 7 अपॉन 2 इक्वल टू 3 अपॉन 2x माइनस के 14, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे? तो पहले या तो आप लाइक टर्म्स को एक साथ ले आइए, लाइक टर्म्स को हम एक साथ लेकर आएंगे, 5x माइनस के 3x अपॉन 2 इक्वल टू माइनस के 14, और ये भी माइनस का पहुंचेगा 7 अपॉन 2, तो 1 करके ऐसे हम लेंगे सबसे पहले, तो इसको करेंगे तो 10x माइनस के 3x अपॉन 2, ऐसे हम लेना तो आप सभी को आता ही होगा, ठीक है। और इक्वल टू यहां से 2 आ गया एलसीएम, माइनस के 28 और माइनस के 7, तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब क्या बचा हमारा, 10x में से 3 गए तो 7x इक्वल टू माइनस के 35, और x इक्वल टू माइनस के 35 अपॉन 7, 7 5 जा 35, और x इक्वल टू माइनस के 5। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। यहां तक क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम आई आपको? नहीं। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, 5x माइनस के 3, ये आप खुद कर लीजिए, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए आप, 5 प्लस के 2, क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर है, थर्ड आप खुद करिए, 5 प्लस के 2 x प्लस 1 माइनस है, ये x माइनस 1 इक्वल टू x प्लस के 4 और x माइनस के 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो है पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 5 प्लस के 2x और प्लस माइनस माइनस 2 बन जा 2, ऐसे ही सेम इधर x प्लस के 4x और 4 3 जा 12 माइनस के 12। इतना आया आपको समझ? ठीक है, देखिए 5 और 5 में से 2 गए तो 3, 2x माइनस के प्लस के 3 इक्वल टू सेम 5x माइनस के 12, लाइक टर्म एक साथ तो 2x माइनस के 5x इक्वल टू माइनस के 2, 12 और माइनस के 3, तो यहां से क्या बचा, 5 में से 2 गए 3 माइनस के इक्वल टू माइनस के 15, तो माइनस से माइनस कैंसिल और x इक्वल टू 15 अपॉन 3, 3 5 जा 15, तो x इक्वल टू क्या आ गया 5। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम है?
नहीं। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में है 3x-1=23 - 5x + 2। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले इसको x सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x - 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसकी सेम 23 और -5x और -10। ठीक है, अब यहां से देखिए 3x है -3, इसको सिंप्लीफाई करिए। 23 में से 10 गए तो 13 - 5x, तो इधर लेकर आएंगे इसको -3 और -13 और इसको -5x और -3x, तो यहां से क्या बचा -16 इक्वल टू -8x। माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल टू 16/8, 8 × 2 = 16, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया 2। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। यहां तक क्वेश्चन कोई समझने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, नहीं ना? ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। 6 में दिया हुआ है हमें 15x-1+4x+3=2 7+x। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमारा रूल क्या है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 15x-15+4x+4 = 12, सेम 2 7 = 14 और +2x। पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 15 और 4 कितने हो गए 19x और 15 में से 12 गए -3=14 +2x सेम 19x माइनस इधर ले आएंगे इसको 2x को और 14 इधर इसे +3, तो यहां से क्या बचा 17x = 17 और x = 17/17, 17 × 17, तो x = 1। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करेंगे। इतना आया आपको समझ? इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत इजी है, आप कर लीजिए, मैं कराऊं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है 2x-7=x/2+1। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। 2x-7=x+2/2, तो 1 करके एल्स इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 4x-14=x+2, तो 4 इधर ले आएंगे इनको एक जैसी टर्म्स को, 4x-2 - 14, तो यहां से बचेगा 3x = 14 में से 2 गए -12 और x = -12/3, 3 × 4 = 12, तो x = -4। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। यहां तक क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं? ठीक है, इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम 2x+3 (2x/3+6=x/5+2 - 2 है ये। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे पहले इसको, तो यहां से आ जाएगा 2x+3 (6 = 18/3)=x-10/5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इनकी, 5 × 2 = 10, x+90 (18×5 = 90)=3x - 13, तो इधर ले आएंगे 10x-3x = -30 और -90, यहां से बचा 7x = ये कितने हो गए 120 और x = -120/7। ठीक है, इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। 3/4 (x+1) = 1/2 (5 - 2x). इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि ये ऊपर ही है,
तो 3x माइनस के 3 अपॉन 4 इसकल टू यहाँ पर 5 माइनस के 2x अपॉन 2, तो 2 से 2, 2 जब 4 बचा यहाँ से 2, तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, तो 3x माइनस के 3 इसकल टू 10 माइनस के 4x, तो 3x माइनस प्लस के 4x हो जाएगा इधर आकर, और यहाँ पर 10 और यहाँ पर प्लस के 3, तो यहाँ से क्या हो गया 7x इसकल टू 13 और x इसकल टू 13 अपॉन 7, और यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, यही माइनस, तो क्या हो गया 7x इसकल टू 7 और x इसकल टू 7 अपॉन 7, तो 7 बन जा 7, तो x इसकल टू 1। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, तो 10 आप खुद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 मैं करा देती हूं आपको। इलेवन दिया हुआ है हमें 5x अपॉन 3 माइनस के x माइनस के 2 अपॉन 4 इजकल टू 2 होल 1 अपॉन 4 और माइनस के x माइनस 2x माइनस 1 अपॉन 3। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया इन दोनों का 12, तो यहाँ 4 से 4 5 से 20x और माइनस के यहाँ से तो 3x और माइनस माइनस प्लस के 6, 3 2 जा 6, ठीक है, इसकल टू 4 2 जा 8 और 9 अपॉन 4, यहाँ से x से करेंगे, पहले इसको यहीं पर कर लेते हैं 3x माइनस के 2x माइनस के 1 अपॉन, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 20 एक्स माइनस के, यहाँ से इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, 20 में से 3 गए तो 17x प्लस के 6 अपॉन 12 इसकल टू 9 अपॉन 4, इसकी मल्टीप्लाई पूरे अंदर करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ से, पहले माइनस के 3 और प्लस के, तो यहाँ से x बच जाएगा और माइनस के 1 अपॉन 3 माइनस, यहाँ से बचा x और प्लस के 1 अपॉन 3। अब इनका एलसीएम लेंगे, 17x प्लस के 6 अपॉन 12 इसकल टू, यहाँ से एलसीएम लिया तो 12, यहाँ हो गया 27 माइनस के 4x और माइनस प्लस माइनस के 4, 12 से 12 कैंसिल, तो 17x प्लस के 6 इसकल टू 27 माइनस के 4x और माइनस 4, इधर कर लेते हैं हम इसे, तो देखना इसको 17x इधर 4x है प्लस के 4x इजकल टू, अब यहाँ पर ये कितना है 27 माइनस 4 और माइनस के 6, तो यहाँ से बचा कितना 21x इजकल टू, यहाँ से 27 में से 10 गए, ये 10 हो गए, यहाँ लिख दो 27 माइनस के 10, तो 21x इजकल टू 17x इजकल टू 17 अपॉन 21, यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 भी मैं ही कराऊं? आप भी कुछ कर लीजिए, यहां आपको कुछ करना ही नहीं है, ये तो गलत बात है ना, ठीक है कराती हूं। क्वेश्चन नंबर 10 है, x माइनस 7 अपॉन 4 इजकल टू 3x प्लस 1 प्लस के 2, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस के 7 अपॉन 4 इजकल टू 3x प्लस के 3 प्लस 2, ठीक है, तो x माइनस के 7 7 अपॉन 4 इजकल टू, यहां से क्या हो गया 3x प्लस के 5, 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस के 7 इसकल टू 4 3 जा 12 x और 5 4 जा 20, तो यहाँ से x माइनस के 12x इसकल टू 20 प्लस के 7 और यहाँ से बचा माइनस के 11x इसकल टू 27
और एक्स इजकल टू 27/11। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से एक्सरसाइज हमारी 2.3 यहाँ पर समाप्त होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप अच्छे से कमेंट करें और मुझे बताएं और मैं आपकी प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर सकूँ। तो स्टूडेंट्स आप सभी ने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। और वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।